बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेम एंड फ्राई। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाइनीज़ राइस। ये बहुत मज़े की सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। और चाइनीज़ राइस कैसे बनते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होती है, आइए इसके लिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने पैन गरम किया था, उसके अंदर एक कप तेल डाला है। तेल को गरम कर देंगे, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को लाइट ब्राउन होने देंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है और अब इसके अंदर हम जो है वो मटर डाल देंगे। मैंने तकरीबन जो है वो आधा कप के करीब मटर लिए थे और अब इसके अंदर चॉप की हुई गाजर डाल देंगे एक कप के करीब और हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो चॉप्ड कैबेज, पत्ता गोभी, इसको बंद गोभी बोलते हैं, ठीक है, ये हम डाल देंगे एक कप के करीब और इसको सौते करेंगे। दो मिनट के लिए हम इनको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब इसके अंदर साल्ट एज टू टेस्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर नमक, वन टीस्पून वाइट पेपर, वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, अब हम दो अंडे लेंगे, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इनको बीट कर लेंगे और आप जो है वो सब्जियों को एक साइड पे कर लेंगे। और ये देखें, आयल सब्जियों ने रिलीज़ कर दिया है, सब्जियाँ अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो अंडे डाल देंगे, अंडों को मिक्स करेंगे। अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर उबले हुए चावल ऐड कर देंगे, तकरीबन तीन कप के करीब जो है वो चावल उबाले थे और इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ग्रीन प्याज मैंने स्प्रिंकल किए हैं और इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अब ये देखें बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छे से खिले खिले से राइस जो है वो रेडी हैं। अब इनको डिश आउट कर लेंगे। चाइनीज़ राइस बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल फ्लेम एंड फ्राई को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।